हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सलोन फैक्ट। गाइस, आज का जो टॉपिक है आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। आज जो हम हेयर स्टाइलिंग करने वाले हैं, जैसे कि आपने इंट्रो में देखा, काफ़ी ज़्यादा प्यारी हेयर स्टाइलिंग कर रखी है हमने। और हमने जो हेयर स्टाइलिंग में बेबी ब्रीथ फ्लावर्स और ऑर्किड्स लगा रखे हैं, वो सब लगा के गाइस एक ओपन हेयर स्टाइलिंग करने वाले हैं हम। और गाइस, जो हम कर्ल्स कर रहे हैं आज, वो मैं आपको नहीं बताने वाला कि जो मैं ये प्रेसिंग कर्ल्स कर रहा हूँ वो मैं इन में कर रहा हूँ या फिर आउट में कर रहा हूँ। ये आपको मुझे खुद बताने हैं कि ये कर्ल्स मैं आउट में कर रहा हूँ, यानी कि आउट कर्ल्स कर रहा हूँ या फिर इन कर्ल्स कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने वीडियो बनाई हुई है हेयर स्टाइलिंग के ऊपर। तो आप लोगों को पता ही होगा कि कर्ल्स इन में या फिर आउट में है, तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बताना कि ये कर्ल्स आउट में कर रहा हूँ या फिर इन में। तो सबसे पहले कमेंट करेगा गाइस, उसकी कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। तो गाइस, कर्ल्स हमें प्रॉपर अच्छे से ऐसे कर लेने हैं सारे, मतलब नए पेटी से स्टार्ट करना है आपको। और गाइस, आपको जो कर्ल्स करने हैं आपको टाइट कर्ल्स नहीं करने हैं, बिल्कुल जो स्पाइरल कर्ल्स होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं करने हैं, क्योंकि आपकी जो लेंथ है छोटी दिखेगी काफ़ी ज़्यादा। तो आपको कर्ल्स थोड़े लूज कर्ल्स करने हैं। और गाइस, जो हम इनको फ्लावर्स लगाने वाले हैं वो ये है बेबी ब्रीथ और ऑर्किड्स, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे लगाने के बाद स्टाइलिंग। तो आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको लगाने हैं ये फ्लावर्स और कर्ल्स। हमने देख लिया आपको इसी तरीके से कर्ल्स करने हैं। और अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए कि कर्ल्स कैसे किए जाते हैं प्रेसिंग कर्ल्स, तो मैं इसके ऊपर टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, सबसे ईजी वे में आपको बताऊँगा कि प्रेसिंग कर्ल्स कैसे किए जाते हैं। तो गाइस, ऑलमोस्ट हमारे जो कर्ल्स है पूरी तरीके से बन चुके हैं। और गाइस, जब आप प्रेसिंग कर्ल्स करते हो तो प्रेसिंग आपकी थोड़ी ज़्यादा फास्ट नहीं होनी चाहिए, थोड़ी स्लो होनी चाहिए। अगर आपकी ज़्यादा फास्ट रहती है प्रेसिंग तो कर्ल्स आपका प्रॉपर लूज़ बनता है, फिर वो ज़्यादा ही लूज़ होता है, वो जल्दी से खुल जाते हैं। तो किस तरीके से हम बिल्कुल स्लो स्लो ले जा रहे हैं और कर्ल्स भी हमारे काफ़ी ज़्यादा अच्छे बन रहे हैं। और ऊपर का जो टॉप एरिया का लास्ट सेक्शन है, इस पर भी हम कर्ल्स करेंगे। और गाइस, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, ये देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम कर्ल्स कर रहे हैं, ये देखिए जैसे एक सेक्शन लिया प्रेसिंग से, हम पहले इसको इन अंदर से टर्न करके एक वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। ये देखिए स्कैल्प पर एक वॉल्यूम क्रिएट हो गया, देन हम कर्ल्स करेंगे। इससे क्या होता है, थोड़ा जो ऊपर का जो टॉप एरिया होता है थोड़ा वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है, लेकिन हम इनके तो पफ बनाने वाले हैं। लेकिन मैंने सोचा आपको इस एक ट्रिक बता दूँ। और फ्रंट वेरिएशन बनाने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि बनाने से पहले, एक अच्छा वेरिएशन बनाने से पहले आपको क्रिम्पिंग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और गाइस, क्रिम्पिंग आपको दिख भी रही है वीडियो में, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मेरे पास कौन सी क्रिम्पिंग है। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि कौन सी क्रिम्पिंग यूज़ करते हो, कौन सा स्प्रे यूज़ करते हो, वीडियो में पूरा क्लियरिटी दिखा रखा होता है, फिर भी आप कन्फ्यूज रहते हो। गाइस, आप वीडियो स्किप करके मत देखा करो, वीडियो को प्रॉपर पूरी तरीके से देखा करो। मेरी वीडियो इतनी लंबी भी नहीं होती कि अगर आप उसको पूरी देखोगे तो टाइम वेस्ट होगा। काफ़ी यार नॉलेजेबल वीडियो होती है, उसको पूरी वीडियो देखा करो। मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी नॉलेज शेयर करने की कोशिश करता हूँ कम से कम टाइम में। तो भाई, पफ का सेक्शन जो हमने निकाल लिया, वो अब हम लगाने वाले हैं मांग टीका। मांग टीका लगाने के लिए गाइस हम थ्रेड यूज़ नहीं करेंगे। देखिए कितना ईजी वे है, आपको टीका लगा लेना है और टीके का जो लॉक है उसके अंदर इनके हेयर उठा के स्लोक में फंसा के देन बैक पर पिनअप कर देना है। बैक पे क्रॉस पिन लगानी है और उसमें ये बांध देना है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके क्रॉस पिन लगा के इस तरीके से बांध देना है आपको इनका मांग टीका। इससे क्या आपका अच्छे तरीके से मांग टीका जो है वो लॉक हो जाएगा। अब हम बनाने वाले हैं पफ। पफ किस तरीके से हमें बनाना है, बैक कॉमिंग करेंगे, पतले पतले सेक्शन, पहले पीछे का सबसे पतला सेक्शन उठाएंगे, देन साथ ही साथ हेयर स्प्रे करेंगे। वो हेयर स्प्रे मैं आपको बता दूँ टाफ्ट का है 5 नंबर। देन एक सेक्शन और लेंगे, देन स्प्रे करेंगे और आगे वाले सेक्शन पे बिल्कुल कम बैक कॉमिंग करेंगे। ये हमारा फिनिशिंग के लिए होता है। तो अच्छे से नीट एंड क्लीन करेंगे कॉम की मदद से। कॉम अच्छे से करनी है गाइस। काफ़ी लोगों की बैक कॉमिंग बाहर आ जाती है, कहते हैं बैक कॉमिंग करने नहीं आती, तो बैक कॉमिंग के ऊपर भी मैं आपको वीडियो बनाने वाला हूँ गाइस। इसी वीक आपको छोटे छोटे टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगी, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज वो लोग, जैसे बैक कॉमिंग कैसे करते हैं, स्प्रेडिंग कैसे करते हैं, पुलिंग कैसे करते हैं, प्रेसिंग कर्ल्स करने का सही तरीका क्या होता है, हेयर एक्सटेंशंस कैसे लगाते हैं, ये मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना,
ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगी तो मैं कल से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। तो गाइस ये देखिए पफ हमने लॉक कर लिया है, पहले हमने आधा पफ लॉक किया है, देन इसको हम धीरे धीरे पूरा करेंगे क्योंकि ग्रिप में मुश्किल से ग्रिप आपको अगर बनाना पड़ती है, ग्रिप हाथ में नहीं आती तो आप आधा आधा पफ पिनअप कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है गाइस ये देखिए मैंने इधर पिनअप कर दिया, अब इस साइड से भी हम पिनअप करेंगे। ये देखिए लुक सेम आने वाली है, कोई लुक अनइवन नहीं आएगी। देखिए हो गए फ्रंट वेरिएशन बनाने के लिए हम बॉक्स सेक्शन को अलग सेपरेट कर देंगे और इस पर हम अच्छे से कॉम करेंगे, देन स्प्रे करेंगे आगे के बेबी हेयर जो है ऊपर की साइड करेंगे टीके पे जो बार बार आते हैं। और गाइस ये देखिए अच्छे से छोटे छोटे बेबी हेयर्स को लेकर स्प्रे करके नीट एंड क्लीन करके 90 डिग्री में सेक्शन उठाएंगे, देन बैक कॉमिंग करेंगे, स्प्रे करेंगे और देन इनके साइड पार्टिंग करेंगे और हल्का सा जो है स्प्रेडिंग देंगे टर्न करके। ये देखिए इस तरीके से स्प्रेडिंग देंगे ताकि फेस जो है अच्छे से फ्रेम हो सके। देखिए थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लूज छोड़ना है, देखिए इस तरीके से। ये देखिए फ्रेमिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ्रेमिंग आ रही है और ऑलमोस्ट हमारा बैक से प्रॉपर तरीके से तैयार है। फ्लास लगाने और थोड़े कर्ल्स करने हैं, वेरिएशन हमारा भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। यहाँ पे हमें लगाने हैं बॉब पिन। ठीक है गाइस ये देखिए फेस को अच्छे से फ्रेमिंग मिल चुकी है और इस साइड दूसरी साइड हम करेंगे बैक कॉमिंग करेंगे, आगे की फ्लिक्स निकाल देंगे साइड से और बैक कॉमिंग करके गाइस अच्छे से आपको नीट एंड क्लीन करके ये पिनअप करना है। आपको जहाँ पफ लॉक किया आपने उसी जगह आपको ये सेक्शन को पिनअप करना है। तो गाइस ये देखिए अच्छे से कॉम करेंगे देन स्प्रे करेंगे, पहले पिन लगा लेंगे देन ये करा स्प्रे ये कॉम किया, हर सेक्शन पे लास्ट में आपको स्प्रे एंड कॉम से नीट एंड क्लीन करना है ताकि आप लोग की स्टाइलिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आए और आपके जो बेबी हेयर्स उड़े उड़े लगते हैं ना स्टाइलिंग में बेकार लगता है, ये सारे स्प्रे से ही बैठते हैं। हेयर एक्सेसरीज लगा देंगे गाइस और इसके ऊपर लगाएंगे देन हम बेबी ब्रेथ। ये देखिए हेयर स्टाइलिंग हम बॉब पिन से लॉक करेंगे काफ़ी अच्छे से और बेबी ब्रेथ हम लगाएंगे, छोटे छोटे बंच लगा के आपको बॉब पिन की मदद से लगा लेना है। गाइस ये देखिए ये लग गए हमारे बेबी ब्रेथ और जो पफ लॉक किया उसके जो बचे हुए सेक्शन है उन्हें हम कर रहे हैं कर्ल्स। और गाइस आपको किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे सैलून से रिलेटेड, कोई ऐसी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गाइस वो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर मैंने विजिटिंग कार्ड दिया हुआ है, उस पर हमारा एड्रेस और नंबर दोनों चीज़ मेंशन है, तो आपको हमारे सैलून से रिलेटेड कैसी भी इंक्वायरी चाहिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और गाइस हमारे सैलून का जो एड्रेस है कार्ड पे मेंशन है, एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ, हमारा जो सैलून का एड्रेस है वो रोहिणी सेक्टर 17 मेन मार्केट राकेश मेकओवर के नाम से गाइस ये न्यू दिल्ली में है, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओ गाइस आप देख रहे हो बेबी ब्रीथ हम किस तरीके से लगा रहे हैं, बंच ले लेके हमें बॉब पिन से ये बेबी ब्रीथ लगाने हैं और पिन आपको अंदर की साइड से करनी है ताकि पिन जो है आपकी बाहर से ना दिखे। आप इसको इनविजिबल पिन से लगा सकते हो लेकिन इनविजिबल पिन से लगाने के लिए आपको एक सेपरेट टॉपिक बनाना पड़ेगा, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। तो गाइस देखते हैं हम इनकी फाइनल लुक, ये देखिए कितनी अच्छी इनकी जो है फाइनल लुक आई है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो लुक आया है जो इनका फ्लावर से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आया है। गाइस कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है ये आपको हेयर स्टाइल कैसा लगा। गाइस मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, ओके टेक केयर, बाय बाय।